चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जो तब होती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। साल 2024 का चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को सुबह 6:11 से शुरू होकर 10:17 तक रहेगा। यह आंशिक चंद्र ग्रहण भारत के पश्चिमी शहरों में थोड़ा बहुत दिखाई दे सकता है, हालांकि इसकी संभावना कम ही है। ग्रहण के 3 प्रकार होते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपछाया चंद्र ग्रहण, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा किस प्रकार एक सीध में हैं। चंद्र ग्रहण की ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं रत्ना मंदिर के पुजारी से। जय भवानी शंकर, ओम नमः शिवाय। पंडित योगेंद्र मिश्रा जी, आपको बताना चाहेंगे 18 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, 2024 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिसमें जो चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण हैं, जिसमें एक चंद्र ग्रहण पड़ चुका है, एक सूर्य ग्रहण 8 मार्च को पड़ चुका और 25 मार्च को चंद्र ग्रहण और 8 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण था। अब 18 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है वो बुधवार को सुबह 6:10 से और 10:15 तक की अवधि में है, 4 घंटे की अवधि में चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। और ये जो ग्रहण इस बार पड़ने वाला है तो मीन राशि का चंद्रमा है और पूर्वा भद्र नक्षत्र में पड़ने वाला है। तो इस चंद्र ग्रहण से इस बार आर्थिक, भारत देश की आर्थिक उन्नति में बदलाव हो सकता है और राजकीय सरकारी कार्यों में प्रगति देखने को मिल सकती है। चंद्र ग्रहण में ये थोड़ा सा इजाफा है और इस दिन लोग बाग अपनी पूजा अर्चना करते हैं और गर्भिणी स्त्रियाँ घर से बाहर नहीं निकलती हैं सुबह 6:10 से और 10:16 तक, 4 घंटे की अवधि का चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण अपने भारत देश में दिखाई देने वाला नहीं है, दक्षिणी यूरोप है, दक्षिण महासागर है, देशों विदेशों में, यूरोप में वहाँ का दिखने वाला है और अपने यहाँ तो आंशिक मात्र है। मुंबई में संकेत था पहले, लेकिन समय उदय के, सूर्य उदय के पहले वो समय समाप्त हो जाता है, तो वहाँ भी संकेत समाप्त हो चुकी है। तो अपने देश में इसका कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन फिर भी अनुरोध है कि लोग वहाँ पूजा अर्चना करें इस दिन को और गर्भिणी स्त्रियाँ अपने घर से बाहर उस दिन ना निकलें।